जिंगर बर्गर KFC स्टाइल। इसके लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस आधा किलो, इसको मैंने इस तरह काट लिया है। और इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने ली है सोया सॉस 1.5 टीस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कॉर्न फ्लावर आधा कप। 2 मैंने अंडे लिए हैं, इनमें आधा कप दूध डालकर इसको बीट कर लिया है। और साथ ही इसमें मैंने आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च और आधी चाय की चम्मच नमक डाला है। और हमें चाहिए इसके साथ 1 कप मैदा। और मैंने बर्गर बन लिए हैं, मेरे पास 30 स्लाइस है और लेटस है। और इसके साथ मैं आपको गार्लिक सॉस बनानी सिखाऊंगी जो इस पे लगेगी। चिकन की मैरिनेशन शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फिलेट को पहले मैशर से अच्छी तरह मैश कर लेना है ताकि इसमें स्पाइसेस अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। इसमें लेमन जूस किया, इसमें सिरका, सोया सॉस, गार्लिक पेस्ट और इसकी हम मैरिनेशन करके इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन फिलेट की कोटिंग के लिए हम मैदे और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करेंगे। और साथ इसमें स्पाइसेस डाल देंगे और इनको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि कोई लंप ना रहे। अब मैं बर्गर के लिए गार्लिक मेयो सॉस बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज 3 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, मैं ये टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने फ्रेश क्रीम और मेयोनीज को मिक्स कर लिया है। और इसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून गार्लिक, ये फ्रेश गार्लिक लेंगे आप। और साथ में डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही क्योंकि मेयो में खुद नमक होता है। आपको अगर जरूरत महसूस हो तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक नमक डाल सकती हैं। बस ये हमारी गार्लिक मेयो सॉस बर्गर के लिए तैयार है। हमें चिकन को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसके जिंगर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिलेट को मैदे में डिप करूंगी। इसको अच्छी तरह प्रेस करना है आपने ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। और उसके बाद अंडे और मिल्क के मिक्सचर में इसको डिप करना है। उसके बाद फिर मैदे में करना है आपने इसको और अच्छी तरह दबाना है। जितना आप अच्छी तरह इस पर लगाएंगे मिक्सचर उतने ही अच्छे आपके जिंगर बनेंगे। दो से तीन दफा आपने इसको मिक्सचर में डिप करना है। इसको आपने लो मीडियम ऑयल में फ्राई करना है। बहुत तेज ऑयल आपने गर्म नहीं करना। ये तकरीबन 5 मिनट लेगा फ्राई होने।
मिर्चा तैयार हो गए हैं, जितने अच्छे इन पे क्रंच आए हैं अब हम इनको निकालेंगे और बर्गर बनाएंगे। बर्गर को असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं इसे होममेड गार्लिक मेयो सॉस लगाऊंगी, इसकी दोनों साइडों पर हम लगा देंगे। तो अच्छी तरह हम लगा लेंगे। उसके बाद मैं पीस स्लाइस कर दूंगी। उसके बाद मैं चिकन के ऊपर मैं लगाऊंगी केचप। अब ये बर्गर सॉस है, इसके ऊपर हम लेटस रखेंगे और इसके ऊपर इसको बंद कर देंगे। इसको तवे पे हल्का सा गर्म करेंगे। इसके दोनों साइडें कुछ सेकंड के लिए गर्म कर देंगे। हमारा बहुत ही मजेदार KFC स्टाइल बर्गर तैयार है। आप इसकी रेसिपी को जरूर ट्राई करें।